स्वागत है दोस्तों। और आज का टॉपिक में दोस्तों बात करेंगे कि जब आप घर बनाते हैं तो यहाँ पर आपको दो तरह से आप यहाँ पर काम करवा सकते हैं। एक होता है आप सेल्फ, मतलब आप अपने से मटेरियल है, लेबर है, मिस्त्री है, सब आप अपना तरीका से, आप अपने जिम्मेवारी रेस्पॉन्सिबल लेकर मटेरियल कौन कौन सा क्या क्या चीज़ आपको सब आप ही देखिएगा, उसके बाद लेबर मिस्त्री को भी आप ही लगवा कर काम करवा सकते हैं। ये हो गया आपको एक तरह से काम जो कि आप अपने से काम करवा सकते हैं। दूसरा होता है कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर को आपको देना है काम, और कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर मटेरियल सही से भी काम कर सकता है या फिर लेबर रेट में काम करेगा। मटेरियल में क्या होगा कि अगर मटेरियल नहीं लेगा आपसे, लेबर रेट में आपका काम करवाइएगा तो मटेरियल का सब जिम्मेवारी आपका रहेगा। बस आपको कहा जाएगा कि इतना ये समय में हमको ये मटेरियल है, आप उस तरीके से आप मटेरियल आप जिम्मा लगा सकते हैं। दूसरा होता है मटेरियल सहित का काम, मींस लेबर भी उनका रहेगा और साथ में आपका मटेरियल। तो मटेरियल और लेबर दोनों का जो रेट है, लेबर रेट में अपना लेबर रेट तरीका से काम करेगा, और मटेरियल सहित का जो काम रहेगा वो अपना मटेरियल प्लस लेबर रेट का जो रहेगा वो अपना रेट रहेगा कॉन्ट्रैक्टर का। तो अभी फिलहाल के लिए ये बात करेंगे कि जब आप कॉन्ट्रैक्टर रोजते हैं अपने घर बनाने के लिए तो क्या गुण होना चाहिए, क्या किस तरीके की गुणवत्ता जो एक पर्सन में, एक कॉन्ट्रैक्टर में होना चाहिए, उसी को लेकर बात करेंगे। और पॉइंट वाइज से बात करेंगे जिससे आपका आप जो समझ रहेगा अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये हो गया कि आप पहला ये जांच कर लीजिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर को आप घर दे रहे हैं कितना साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद कितना घर अभी तक में, कितने नंबर घर वो अपना से कॉन्ट्रैक्ट करके अपना काम कर चुका है, तो ये आपको जांच पड़ताल कर लेना है। उसके बाद दूसरा नंबर में है कि आपको रेट भी मालूम होना जाना चाहिए कि कौन सा क्या कॉन्ट्रैक्टर क्या रेट में काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी होता है कि फ्रेशर जो कॉन्ट्रैक्टर रहता है वो अपना थोड़ा सा कम रेट में वो काम करता है, और जो थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, सालों का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर वो रेट जो है कुछ रुपये जो है ज़्यादा करके वो अपना काम लेगा। तीसरा नंबर में बात कर लेते हैं कि दोस्तों जो कॉन्ट्रैक्टर काम लेगा वो अपना आप उन्हें जो है काम फुली फर्निश में भी दे सकते हैं या फिर सेमी फर्निश, मीन्स सिर्फ प्लास्टर तक का काम, नीचे का फूटिंग शूटिंग ये सब सभी काम होने के बाद जो प्लास्टरिंग तक का है वो अपना हो गया सेमी फर्निश, ओके। उसके बाद जो पेंट है, फर्नीचर है, विंडो उसके बाद डोर पेंट पारापेट प्लास्टरिंग ये ज़्यादा, मतलब आपका पूरी तरीके से फर्निश, मार्बल टाइल्स, सीलिंग, इलेक्ट्रिकल, सैनिटरी फिटिंग, ये सभी आपका हो गया फुली फर्निश। तो रेट जो कॉन्ट्रैक्टर लेगा वो अपना सेमी फर्निश का अपना रेट रहेगा, साथ में फुल्ली फर्निश का अपना रेट रहेगा। और साथ में आप ये भी देख लीजिए कि लेबर रेट का फुल्ली फर्निश एक रेट रहेगा, मटेरियल सहित का, लेबर सहित का जो फुल्ली फर्निश रेट और सेमी फर्निश रेट वो अपना 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 रहता है। तो ये आप बात कर लीजिएगा कि क्या काम, कहाँ तक का काम, पूरी काम या फिर आधा जो प्लस्तर तक का काम होता है वहाँ तक आपको देना है, ये बोल के आप फाइनल फिक्स एंड फाइनल कर लीजिएगा। चौथा नंबर में दोस्तों ये चेक कर लीजिएगा जो कॉन्ट्रैक्टर से आप काम करवाने वाले हैं तो उन कॉन्ट्रैक्टर के पास स्किल मैन पावर है कि नहीं। अगर है तो ठीक है। क्या होता है कि कितना कॉन्ट्रैक्टर अपने पास स्किल मैन पावर ना होकर वो अपना हायर कर लेता है थर्ड पार्टी से, मतलब दूसरा कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट करवा कर, मीन्स एक ठेका अपना लेकर कॉन्ट्रैक्टर दूसरे कॉन्ट्रैक्टर से मेल मिलाप करके, वहाँ पर क्या होता है कि रेट जो है वो कुछ अपना पैसा बचाने के लिए रेट आपसे ज़्यादा बोल देगा, ठीक है। तो ऐसे ही पार्टी खोजिएगा, ऐसे ही पार्टी कॉन्ट्रैक्टर खोजिएगा जहाँ उनके पास ही अपना स्किल मैन पावर, लेबर, मिस्त्री सब हो। पाँचवा नंबर ये है दोस्तों कि जब आप अपना काम मटेरियल सहित कर देते हैं तो मटेरियल सहित में तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपको ये जाँच करना है कि कौन कौन सा मटेरियल आप दे रहे हैं, किस तरीके से, मीन्स गिट्टी, छर, रड, सीमेंट, सरिया, आपका ISO मार्किंग सरिया होना चाहिए, इसी तरीके से सीमेंट कौन सा, OPC कौन ब्रांडेड वो देखना है, पेंटिंग, प्लस्टरिंग, टाइलिंग, फिनिशिंग जितना भी है, सैनिटरी, वाटर टैंक, फिटिंग, मार्बल टाइल्स, सारी फिटिंग आपको मटेरियल जितना भी है कंस्ट्रक्शन मटेरियल सभी आपको एक स्पेसिफिकेशन, एक लिस्टिंग करके उसका हर एक पॉइंट में क्या क्या आपको काम होगा, तो उस तरीके से आप वहाँ पर नोट करके तब जाकर आप कंफर्म कीजिएगा कि कॉन्ट्रैक्टर से हाँ हमें जो मटेरियल है यही मटेरियल हमें लगाना है अपने घर के लिए, ठीक है। तो ये लिस्टिंग और स्पेसिफिकेशन जो मटेरियल का हर एक मटेरियल लिस्ट करके कंफर्म कीजिएगा। अगला पॉइंट ये है दोस्तों कि आपके पास जितना भी
काम है वो सभी काम आपका रिटेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मीन्स आपका जितना भी लेबर मटेरियल वर्क ड्यूरेशन कितना समय लगेगा, तो हर एक चीज़ का रिटेन डॉक्यूमेंट लीगली होना चाहिए आपके और कॉन्ट्रैक्टर के बीच का। वो भी आपका कौन सा पेपर में, तो कोर्ट स्टाम्प पेपर में, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आने वाले समय में कभी भी आपका किसी भी तरीके से जो झगड़ा होगा पेमेंट को लेकर वो नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट ध्यान देने वाला पॉइंट है कि अक्सर क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है आप रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड के संपर्क से वहाँ से आप कॉन्ट्रैक्टर रिकमेंड कर देता है, ठीक। तो वहाँ से रिकमेंडेशन करने के बाद कॉन्ट्रैक्टर आप हायर अपना कंस्ट्रक्शन काम कर लेते हैं। पर ऐसे मत कीजिए, ठीक है, रिलेटिव्स और फ्रेंड रिकमेंड कर रहा है ये कॉन्ट्रैक्टर, फिर भी आपको इन्वेस्टिगेट करना है कि वो कॉन्ट्रैक्टर जो है किस तरीके का काम अभी तक किया है, और जितना भी अभी तक मैं जो पॉइंट बोले हैं वो सब आपको इन्वेस्टिगेट करके ही आप अपना जो काम है उसको फाइनल आप कॉन्ट्रैक्टर को दे सकते हैं। लास्ट पॉइंट में ये बात करेंगे दोस्तों कि कॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट रहेगा आपका घर का ऑनर का और कॉन्ट्रैक्टर का, तो ये बेहद ज़रूरी है, एग्रीमेंट बनाकर ही चलिएगा, क्योंकि आगे जाकर जो काम का परसेंटेज रहेगा, वर्क परसेंटेज प्रोग्रेस रहेगा, साथ में आपका पेमेंट रहेगा, तो इस झंझट में आप नहीं पड़िएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक बार करने के बाद क्या होता है कि लीगली आपके पास वो अथॉरिटी भी हो जाता है कि काम कभी भी आपका ऊपर नीचा नहीं होगा, ठीक है। तो आपको एग्रीमेंट ज़रूर से बना लेना है। सो ये है दोस्तों कि आपको ये सब ध्यान देना है, जब भी आप एक अपना घर ऑनर होकर कॉन्ट्रैक्ट जब देते हैं कॉन्ट्रैक्टर को, तो इन्हीं पॉइंट को ध्यान में रखकर एक कॉन्ट्रैक्टर को आप काम दीजिए, और जिस तरीके से चूजेबल जो टर्म्स सब है ये चीज़ आप चूज करके तो उसके बाद आप फाइनली डील कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए एक बार का जो आपका खर्च रहता है, पूंजी जमा किया हुआ, वह आप खर्च करते हैं घर बनाने के लिए इसीलिए। और दूसरा बात ये भी कि जब भी किसी भी कॉन्ट्रैक्टर चाहे वो फर्स्ट क्लास आपका वर्क मतलब प्रदान करके देता है, फिर भी आपको चेक करना ज़रूरी है कि टाइमली आपको ड्यूरेशन वाइज आप जाकर देखिए काम किस तरीके से हो रहा है, क्वालिटी वाइज लेबर स्किल आप चेक कीजिए, इक्विपमेंट कौन कौन सा यूज कर रहा है, मशीन जो है किस तरीके का मशीन यूज हो रहा है, तो ये सब चीज़ देखना आपका कार्य है, ठीक है। तो यही सब पॉइंट है दोस्तों कि जब भी अगर आप घर बनाते हैं तो अच्छा खासा घर आप अपने लिए निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक को लेकर, और ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके का कंस्ट्रक्शन वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।